हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ते को आप इवनिंग स्नैक में गर्मा गर्म चाय या टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे ना, तो यकीन माने फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश मटर। साथ में ही इसमें डालेंगे 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार डालें। अब इसे हमें बिना पानी रखे हुए दरदरा पीस लेना है। तो इसे पीसने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और इस तरह से इसे हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के लिए मिक्सी को हमें रुक रुक कर चलाना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो। और इस तरह से पीस लेने के बाद इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से कढ़ाई में फैला लेना है। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर 10 से 12 सेकेंड के लिए भून लेना है ताकि सफ़ेद तिल चटक जाए। जब सफ़ेद तिल चटक जाएगा तो इसमें पिसा हुआ हरा मटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। तो इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि हरा मटर का जो कच्चापन का टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। 2 मिनट तक हरे मटर को भून लेने के बाद ना इसमें अब पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिला लेने के बाद ना इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ रेड मिर्च। आप अपने तीखा के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच चिली रेड मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा मरीच का पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है और मिला लेने के बाद ना गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें उबाल आने तक पका लेना है। जब पानी में उबाल आने लगे तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 1 कप सूजी लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से चलाते हुए डो फॉर्म में आने तक पका लेना है। यहाँ पे सूजी और हरे मटर का डो बनकर तैयार हो गया है और देख सकते हैं कि ये कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा है। तो अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए बाहर एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और जब डो ठंडा हो जाएगा तो इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता का फ्लेवर नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आएगा और नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाते वक्त ये अच्छा से न मिले और जब लगे कि डो गीला है तो इसमें आप 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा रखकर इसे मिला लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसमें आप 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा जरूर मिलाएं। इसे क्या होगा कि जब हम नाश्ते को फ्राई करेंगे तो ये तेल में बिखरेगा नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच गेहूं का आटा रखकर इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब दोनों हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है ताकि जब हम इसका सेप दें तो ये हाथ में न चिपके। अब इसे हमें अच्छी तरह से गोला बनाते हुए हमें टिक्की का शेप दे देना है। तो साइड साइड से भी इसे अच्छी तरह से सेट कर ले ताकि नाश्ता देखने में बढ़िया लगे। तो आप इस तरह से टिक्की का शेप में भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। आप अपने कोई भी मनपसंद के शेप में इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डो लेंगे और इस तरह से
टिक्की बनाते हुए हम इसके बीचों में होल कर लेंगे, इस तरह से जैसे हम बिंदु बड़ा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसका भी शेप दे देंगे। तो ये देखिए नाश्ता देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो इसी तरह से बिंदु बड़ा के शेप देते हुए हमें नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से नाश्ता बना लेने के बाद अब इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर लेना है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे एक एक करके इसमें नाश्ते के पीसेस को डालेंगे और डालते ही इसे न पलटे। जब नाश्ता एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो एक एक करके इन सभी नाश्ते को पलट देंगे और पलटने के बाद ना दूसरे साइड से भी मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूं के आटा फेंट देने से नाश्ता कितना बढ़िया बन रहा है और तेल में भी ये नहीं बिखर रहा है। तो नाश्ते को उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर ले। और यहाँ पे देखिए नाश्ता दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुका है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स नाश्ता कितना फुला फुला और कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। तो अब हम इन सभी नाश्ते को निकाल लेंगे और इन सभी नाश्ते को बाहर निकाल लेने के बाद ना सेम प्रोसेस से बचे हुए नाश्ते को हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है। और ये देखिए गर्मा गर्म आज का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो ये नाश्ता देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस नाश्ते को एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें और इसे आप इवनिंग स्नैक में गर्मा गर्म चाय, टमाटो, केचप, किसी भी चीज के साथ सर्व करेंगे ना, तो यकीन माने ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना।